नाज़रीन, भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को घरेलू तशद्दुद के केस में जमानत मिल गई। कोलकाता की अदालत ने मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद हसीब की जमानत मंजूर कर ली। वाज़ह रहे कि 2018 में मोहम्मद शमी की अहलिया बासन जान ने क्रिकेटर के खिलाफ घरेलू तशद्दुद का मुकदमा दायर किया था। क्रिकेटर की अहलिया बासन जान ने मोहम्मद शमी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि फरवरी 2018 में दौरा अफ्रीका से वापसी पे शोहर ने उन्हें मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हसन जान का कहना है कि उनके शोहर और ससुरालियों की जानब से गुज़श्ता 2 साल से ज़्यादा को किया जा रहा है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। हसन के मुताबिक उन्होंने खामोश रहने की बहुत कोशिश की और शोहर की गलतियां भी बर्दाश्त की, लेकिन मोहम्मद शमी ने धमकियां देना शुरू कर दी। उसके बावजूद अपने खानदान और बेटे की खातिर सब कुछ सहते रहे। हसन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मोहम्मद शमी उन्हें धोखा दे रहे हैं और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर नाजेबा गुफ्तगू किया करती हैं, जिनके सबूत भी मौजूद हैं। दूसरी जानब क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने इस हवाले से समाजी रबते साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा था कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतलक जितनी भी खबरें गर्दश कर रही हैं वो सब झूठ पर मबनी और साजिश हैं। शमी ने लिखा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है और उनका खेल खराब करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।